हे गाइस, टेक वर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जियो एयर फाइबर के जो एसटीबी बॉक्स है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। उसकी फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स आपको बताऊंगा इसके जो भी है। ये जियो एयर फाइबर अब से मैंने 2 दिन पहले ही लिया था और उसी दिन ही मैंने बुकिंग कराई थी। 9 तारीख को मैंने बुकिंग कराई थी और 10 तारीख को मेरे पास ये लग गया था। 10 तारीख की मॉर्निंग में आ गए थे और मॉर्निंग से बाद में नून कर दिया, और नून में ही इन्होंने 1-2 घंटे में सब कुछ फाइनल फाइनल कर दिया। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी ही अपने यूट्यूब चैनल पर दे रखी है। तो प्लान की बात करें, सबसे पहले इसका प्लान था मेरे पास 30 Mbps का, जो कि 599 एक्सक्लूड GST है, ठीक है। और ये कुल टोटल मिला के 2121 का मेरे को पड़ा। 3 मंथ प्लान, मैंने पहले इसका पेमेंट करा, उसके बाद फिर इन्होंने अपना काम शुरू किया। उसके बाद जब जैसे जैसे इनका ऑर्डर बनता गया, ये एक्टिवेट होते चले गए। पहले ओडियो एक्टिवेट हुआ, ओडियो का ऑर्डर बना, ओडियो एक्टिवेट हुआ, फिर आईडीओ का एक्टिवेट ऑर्डर बना, आईडीओ का एक्टिवेट हुआ, और फिर सेटअप बॉक्स का ऑर्डर बना, सेटअप बॉक्स का एक्टिवेट हो गया। तो अभी अब मैं जियो टीवी का जो एसटीबी है वो हमको मिला है। और बेसिकली क्या है ये, मेनली जियो फाइबर या जियो एयर फाइबर के नेटवर्क पर ही वर्क करता है। इसके मोस्टली चैनल जियो एयर फाइबर पर ही वर्क करेंगे। और अगर आप दूसरा नेटवर्क इसमें यूज़ करोगे तो चैनल एक तो ओपनिंग होने में थोड़ा लेट होगा, और जो आपके सब्सक्रिप्शन है ओटीटी के, वो भी लाइक आपका डिज्नी प्लस हॉटस्टार की जो चैनल है लाइव, वो नहीं चलेंगे, ठीक है। तो आपको अगर इसे देखना है तो जियो टीवी ही प्लस को, तो आपको जियो फाइबर या एयर फाइबर के नेटवर्क में ही आपको देखना पड़ेगा। तो अब चलो बात करते हैं, हमने वीडियो शुरू करते हैं इसका चैनल्स की। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इसमें ये लाइव टीवी चैनल्स नहीं वर्क करते हैं। इसमें ये लाइव टीवी चैनल्स देखिएगा, ये वर्क नहीं करते। मैं इसे ओके करता हूँ तो ये आएगा एसटीबी, ठीक है, एरर स्टेट वन। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है कि अभी इनको मे बी हैथवे के जो आईपीटीवी कंपनी है उनसे इन्होंने टाई अप चल रहा है, और इसका जो है बीटा वर्जन भी है, जो कि इन्होंने अपने ही केवल यूजर्स को दे रखे हैं, ठीक है। तो वो चेक वेक करते हैं इसके लिए, फिलहाल हमारे लिए यूजर लिए ओपनली नहीं किया है इन्होंने। तो इसको फिर हम होम का बटन दबाते हैं तो होम के पेज पर आपका सिर्फ वही इंटरफेस आ जाएगा जो पहले स्टार्टिंग में आता है। तो इसके बाद इसमें हम अपना जियो सिनेमा, जो कि आपको प्रीमियम मिलता है इसके अंदर, जियो टीवी प्लस है, जियो सावन है, जियो गेम्स है, डिस्कवरी है प्लस ऑल्ट और म्यूजिक और नेक्स्टी सोनी लिव, बाकी जो भी प्रोग्राम है डिज्नी प्लस हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स हमारे जो हमने प्लान ले रखा है उसमें इंक्लूड नहीं है, वो आपको अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जब इसमें होम पे जाते हैं तो ये इसका ये जो करंट में दिखाता है, जो स्पोर्ट्स जो ऊपर देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, तो ये स्पोर्ट्स में जो करंट चल रहा है वो आपको बता देगा। ये इसका रिमोट कनेक्टेड है, बैटरी लेवल हाई है इसका, ये सेटिंग है इसकी, आप सेटिंग में जा सकते हैं। ये आपका जो है कनेक्टेड तो इथरनेट है, अभी मैंने जो है अपना वाईफाई से नहीं कर रखा है, लैन से केबल कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, ये आपकी अकाउंट है। तो सेटिंग में जाते हैं, इसकी सेटिंग में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ये अबाउट दिखा देगा आपको, सॉफ्टवेयर अपडेट, रिस्टार्ट स्टेटस, डिवाइस नेम, मॉडल नेम और एक्सेट्रा, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर अपडेट पे जाते हैं, चेकिंग और एसटीबी सॉफ्टवेयर, ये देखिएगा इसमें क्या वर्क कर रहा है, एसटीबी दिखा देगा कि ऑटोमेटिक अपडेट है या फिर जो अभी अपडेट होगा वो आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेटस दिखा देगा, स्टेटस में आपका इथरनेट, ब्लूटूथ एड्रेस, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट आईडी, अप टाइम, IPv4 एड्रेस, नेटफ्लिक्स का ये वगैरह दिखा देगा, और डिवाइस नेम आपको बताइए, मॉडल ये है, ठीक। नेटवर्क में आपका किससे कनेक्टेड है, वाईफाई, जियो नेटवर्क, वेलोसिटी, ये है जो कि ये आपकी स्पीड चेक करने के लिए है, आप देखिएगा कितनी स्पीड चेक होगी इसके अंदर। वैसे मेरा 30 Mbps का प्लान है और 30 Mbps पर कितनी स्पीड आती है देखते हैं। गो गो, ये जियो का ही अपना है एयर फाइबर, 58 ms लेटेंसी है,
ये 28 27, अभी बैड वेदर होने की वजह से 27 Mbps इसका, बट 28 Mbps है, वैसे 30 Mbps अप टू आता है इसका, अपलोडिंग में ठीक है और डाउनलोडिंग में ठीक है। 28 Mbps का 30 Mbps का प्लान है तो इतना तो आता ही है। और 4 MS का इसका जिटर, जिटर का मतलब आप समझते हैं, जिटर का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपको कम्युनिकेशन, जैसे आपको जूम चल रहा है तो कितने जिटर पर, यानी कि 2 MS पे, 4 MS पे, यानी 4 माइक्रो सेकेंड पर आपकी आवाज़ वहाँ जाएगी, ठीक है। जैसे आपने बोला तो 4 माइक्रो सेकेंड होगा तो उसमें आपके पास वहाँ दूसरे कम दूसरे जो पार्ट जो कंप्यूटर जूम पे बैठा हुआ है या फिर अलग सिप्टिक्स वगैरह पे बैठा हुआ है तो उसको 4 माइक्रो सेकेंड में आपकी आवाज़ जाएगी। तो इसका अलग जीतर, तो ये देखिएगा। बाकी इसमें प्रॉक्सी सेटिंग, IPv4 एड्रेस, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी एप्लीकेशन है आप यहाँ देख सकते हैं, जो एप्लीकेशन वगैरह। तो अब बात करते हैं इसके चैनल्स की। तो JioTV में JioTV Plus है, जो कि एक JioTV का ही है, जो उसमें आप अब आपका लाइव टीवी नहीं वर्क करता है तो लाइव टीवी वर्क की जगह पर ना वर्क करे तो इस पर इन्होंने JioTV Plus निकाला, जब तक ये लाइव टीवी नहीं स्टार्ट होता। और JioTV Plus जो OTT बेस्ड है, ठीक, OTT पर ओवर द टॉप जो भी हैं उन पर जो लाइव टीवी चैनल चलते हैं वो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो वो कभी भी आप अगर जियो फाइवर लोगे तो आप सोचो कि हमारे स्टार प्लस है, JioTV, JioCinema, ये मतलब लाइव टीवी में चले, नहीं, ये केवल OTT के थ्रू चलेगा। और NTV भी जो आपको सॉरी एंड पिक्चर है, जो कि कभी कभी लैंग्वेज चेंजेस पे आता है तो वो चीज़ नहीं मिलेगी इसके अंदर, और सो और सेट पिक्स भी नहीं मिलेगा। चलो अब टीवी को ऑन करते हैं, JioTV Plus को हम ऑन करा। तो ये अभी आपको देखते हैं डिजिटल 4U और डिजिटल टीवी। तो ये 4U है और आज कलर जी लगाते हैं तो एकदम एकदम स्टार्ट हो जाएगा, एकदम स्टार्ट हो गया। नो बफरिंग, कोई बफरिंग वगैरह इस पर नहीं होती है। सोनी सैक, देखो सोनी वैक चल जाएगा। अभी तो OTT पे जो चलते हैं चैनल वही OTT पे चलेंगे, सोनी लिए सोनी लिए OTT पे चलेगा। देखिए चल गया, अभी अभी इसमें कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है तो कौन बनेगा करोड़पति ही आएगा इस पर, ठीक है। स्टार स्पोर्ट आपका जो आपका बहुत मनपसंद चैनल है स्टार स्पोर्ट, जो कि ओन जियो मोबाइल पे भी नहीं चलता और ना ही इसकी कोई ना ही ये डिजनी प्लस हॉटस्टार पे लाइव होता है। अगर आप डिजनी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं तो उस पर भी नहीं चलता है। तो अभी इसने क्या कर रखा, IPTV के अकॉर्डिंग इन्होंने जियो जियो दे ले रखा है, इनसे स्टार वालों से टाइप कर रखा है, कॉपीराइट ना हो तो इन्होंने डिजनी प्लस हॉटस्टार से इसको रिडायरेक्ट कर रखा है। आप देखा स्टार स्पोर्ट चल जाएगा, स्टार स्पोर्ट हिंदी ये चल रहा है, ठीक है, थ्रू चल रहा है डिजनी प्लस हॉटस्टार के थ्रू। लेकिन अगर अगर अलग से डिजनी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो नहीं चलता उस पर, ठीक है। अब बैक कर लेते हैं, बैक करके फिर आपका ये डिजनी प्लस हॉटस्टार पे आ जाएगा, और बैक करते हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है। बाकी अपना ये सोनी के चैनल है आपको मैंने दिखाई दिए, ये आपके फ्री टू ईयर वाले चैनल है, ये फ्री टू ईयर वाले चैनल चल जाएंगे, ये इसके सारे चैनल। अब लोग को मन पसंद स्टार प्लस, स्टार प्लस कैसे चलेगा, तो स्टार प्लस भी इस पर चल जाएगा, ये भी डिजनी प्लस हॉटस्टार के थ्रू ही चलेगा। और बाकी अलग चैनल अनंत चैनल हैं स्टार के, तो वो नहीं चलते इसके, जैसे लाइक स्टार गोल्ड थ्रिल्स हुआ, जो नए नए चैनल जो अभी आए थे स्टार के वो नहीं चलते हैं इसके अंदर, ठीक है। बाकी न्यूज़ है, ये चैनल्स हैं, बाकी इसमें कैटेगरी वाइज से रखा, चैनल गाइड देखा, न्यूज़ के कितने चैनल हैं ये आप देख लीजिएगा, बहुत सारे चैनल न्यूज़ के, न्यूज़ तो भरी पड़ी है, फ्री टू ईयर फ्री वाले भी हैं और वैसे वाले भी हैं, पेड वाले भी हैं, ठीक है जी। और अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, वे हमें नेक्स्ट म्यूजिक, तो म्यूजिक पे चलते हैं, तो म्यूजिक पे आपको ये चैनल आ जाते हैं सारे, ये बस क्लिक करते ही ये चल पड़ेंगे, देखो क्लिक किया ये चल पड़ेंगे। नो बफरिंग, कोई बफरिंग नहीं है इसके अंदर, 30 Mbps में आपको मस्त मजा दिखाइए, अब कोई सा भी चैनल आप चला लो, आपका बोय हड़िप्पा है तो बोय हड़िप्पा चला लो, चल के देखिए जी, मतलब कोई बफरिंग नहीं किसी भी प्रकार की, कैसे भी कोई बफरिंग नहीं है इसके अंदर। MTV HD पेड है तो देखो ये पेड चैनल चलाते हैं, HD में चलेगा, चल के देखो MTV HD में। तो जैसे कि ये आपके हो गए स्पोर्ट्स के चैनल हो गए, स्पोर्ट्स में देखे कौन कौन से चैनल होते हैं, ब्रेव ब्रेव स्पोर्ट, यूरो स्पोर्ट, जी क्रिकेट, जियो सिनेमा,
जियो गेम्स, क्विक गेम्स, स्टार स्पोर्ट्स, सोनी स्पोर्ट्स, 18 स्पोर्ट्स, स्टार स्पोर्ट 1 2 3 4, ये सारे चैनल आपके चलते हैं। अब आपका अगर कोई मन करे स्टार जैसे सेलेक्ट गोल्ड है, इनको चला के देख लो, प्ले करके देख लेते हैं और ये प्ले हो जाएगा। ये डायरेक्ट ही होगा डिज्नी प्लस हॉट स्टार के थ्रू, देखिएगा। तो अब इसमें बैक करते हैं, अब एंटरटेनमेंट के, एंटरटेनमेंट आपके चैनल जो आएंगे ये एंड पिक्चर है, एंड पिक्चर एच डी, एंड टी वी, एंड एक्सप्लोरर, जितने भी चैनल्स हैं ये चैनल्स आपके ऐप के थ्रू चलेंगे, मतलब आपके पास सब्सक्रिप्शन दे रखा उसके थ्रू चलेंगे। मैं आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ, एंड पिक्चर एच डी जो यहाँ जी फाइव पर रिडायरेक्ट होगा, ऑडियो मैंने बंद करके कॉपीराइट की वजह से, बाकी मैं चैनल्स के वो भी हाइड कर दूंगा, ठीक है जी। याद चल रहा है तो देख, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जियो एयर फाइबर में, बट आप जो चैनल्स जो लाइव टीवी का मजा है, जो चैनल जो आपको जियो टीवी जो मोबाइल पे चलता है वो वैसा नहीं है, जो भी चैनल है वो ओवर द टॉप के थ्रू ही चलेंगे और आपका जियो का नेटवर्क होना बहुत जरूरी है इसके लिए। ये है आपका डिवोशनल है, मूवीज के चैनल है, ज्यादा अच्छे मूवी एंडफ्लिक्स है, तो ये भी आपका उसी पर एक ही चैनल है, एक ये दो चैनल है इंग्लिश के जो कि इन्होंने प्रोवाइड करा रखे, ना कि सेटपिक्स भी नहीं है। आपको देखना होगा जियो टीवी मोबाइल पर सेटपिक्स भी चलता है, बट वो यहाँ नहीं चलता, यहाँ का यहाँ है ही नहीं प्रोविजन इस जियो प्लस पर। देखिएगा स्टार गोल्ड है, स्टार गोल्ड प्ले करते हैं तो स्टार गोल्ड वही डिज्नी प्लस स्टार से शुरू हो जाएगा, वहां से चलेगा ये, देखिएगा, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, जी क्लासिक है और जी ये जी जी थ्री है, जी बॉलीवुड, जी चित्र मंदिर है, जी एच डी है। तो ये एच डी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है अभी, ये तो मैं आपको मॉनिटर पर चला के दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसे 4K वगैरह में चलना चलाएंगे या फिर बड़े टीवी में 4K आपको 4K चैनल में चलाएंगे तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है जियो की, क्वालिटी से समझौता नहीं किया है। बाकी इंफोटेनमेंट के चैनल है, किड्स के चैनल है, किड्स के चैनल देख लीजिए, ये किड्स के चैनल है, ज़्यादा चैनल्स नहीं है किड्स के, कार्टून नेटवर्क भी है तो वो HD में नहीं है, और बिजनेस के चैनल्स ये हैं आपके, एंड इंफोटेनमेंट के चैनल्स ये हैं, एनिमल प्लानेट HD वगैरह, डिस्कवरी HD, डिस्कवरी आपका हिंदी में मिल जाएंगे, बट ये आपका एनिमल प्लानेट सादा मतलब SD चैनल है, ये आपको हिंदी मिल जाएगा, लेकिन एनिमल HD ये आपको उसमें मिलेगा इंग्लिश में, और ETV वगैरह है ये जो कि चलता है, दर्शन है, जियो दर्शन, जियो दर्शन में ये आपके ये भगवान है, भगवान के जो भी चैनल है ये मिल जाएंगे आपको, और बेस्ट ऑफ ETV है, ETV के चैनल्स मिल जाएंगे, न्यूली एडेड ये हुए हैं, जियो TV स्पेशल्स हैं ये, इसमें आपको दे रखा है। बाकी ये चैनल्स है सोनी लिव के जो चैनल्स आते हैं वो ये हैं, और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लाइव चैनल्स ये चल रहे हैं, स्टार भारत, अब मैंने आपको स्टार भारत चला के नहीं दिखा, स्टार भारत चला के दिखा देता हूँ। तो ये सब रिडायरेक्ट होगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार के थ्रू ही, देखो चल गया है स्टार भारत ना, स्टार गोल्ड है, स्टार स्पोर्ट है, ये सारे स्टार के चैनल हैं, ठीक है। ये जी के चैनल हैं, जी लाइव TV चैनल्स हैं, जी के जितने भी चैनल्स हैं वो ये हैं, बाकी आपका ये सन के हैं, सन NXT, ये बिजनेस न्यूज है, ये HD लाइव चैनल जो कि HD में चैनल्स हैं जो लोग जो चलते हैं वो ये हैं, ठीक है। ये लाइव न्यूज लाइव चैनल्स है, ये स्पोर्ट्स के चैनल हैं, ये जियो दर्शन है, ये मूवीज लाइव चैनल्स हैं, ये म्यूजिक है, ये आपका टॉप रीजनल लाइव है, किड्स है, एंटरटेनमेंट है, डिवोशनल चैनल्स हैं, इंग्लिश एजुकेशनल लाइव चैनल्स हैं, एजुकेशनल चैनल्स हैं, एक्सक्लूसिव लाइव ऑन जियो है, इंग्लिश लाइव चैनल्स हैं जो कि आपको इंग्लिश में, मराठी हैं, गुजराती हैं, बंगाली हैं, पंजाबी हैं, मलयालम है, तमिल है, कनाडा है, तेलुगु है, भोजपुरी है, उर्दू है, असम है, ये चैनल हैं हमारे पास। अब बैक करते हैं इसको, ये बाद में आता है कैचअप, कैचअप जो आपके वो प्रोग्राम होते हैं जो आपके छूट गए हैं और उनको आप देखना चाहते हैं तो आप कैचअप से देख सकते हैं, डिज्नी ये आपका जी के, डिज्नी प्लस हॉट स्टार के,
जी फाइव तमिल, सोनी लिव के, एनएक्सटी के, अनुप जो भी अनुपमा कुमकुम भाग्य, जो भी आपको देख सकते हैं कैचअप यहाँ से आप मिल सकते हैं। ये मूवीज हैं जो नहीं आपके पास सफिशियन है प्राइम का, तो यहाँ से डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएगा ये। इसमें लायन गेस्ट है, लायन गेट, ये प्राइम वीडियो, ये आपके चैनल्स हैं। मूवीज जो आ रही है देखना, वो मूवी आप देख सकते हो, ठीक है। और ये शोज हैं जो आप शो हैं जो चलते हैं, सीरीज वगैरह ये वो है, ये किड्स के लिए हैं, डोरीमोन वगैरह हैं, ये चल जाते हैं, माशा एंड द बेयर्स। म्यूजिक म्यूजिक के आप चला सकते हैं, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स के आप चला सकते हैं। तो मेनली ये जियो टीवी प्लस में है। अब आगे चलते हैं जियो सिनेमा, जो कि इसका एक ऐप है, जियो सिनेमा चल गया है। ये जियो सिनेमा का प्रीमियम है प्लान है, जो कि आपको प्रीमियम प्लान मिलता है। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको जो भी चैनल चाहिए, एचबी कलर, एचबी पीकॉक के कलर्स के। इसमें कोई भी लाइव टीवी चैनल नहीं चलता है, ठीक है। बाकी जो जो भी प्रीमियम जियो प्रीमियम की सर्विस होगी वो आपको मिलेगी इसमें प्रीमियम की, कोई सा भी आप चला कर देख सकते हैं। लाइव टीचर, सावन, जियो सिनेमा, ये आर्ट बालाजी, ये सब वगैरह इसमें फ्री हैं। यह 14+ एप्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ अगर उसमें कुछ होगा तो। सेटिंग में चले जाओ, एप्लीकेशंस में, डाउनलोड्स एप्स में, आर्ट बालाजी, डिस्कवरी, हॉटस्टार, जियो सिनेमा, जियो गेम, जियो न्यूज, जियो फोटो, सावन, स्पेयर, सफारी, जियो टीवी, माई जियो, ये सब एप्स, सोनी लिव, सोनी एनएक्सटी, यूट्यूब, ये जी फाइव, या हम आपको सबको मिलते हैं, जो इसके लिए इसको सब्सक्रिप्शन वगैरह ना सब मिलता है। ये सिस्टम एप्स हैं, सिस्टम एप्स आपको जियो टीवी, लाइव टीवी, नेटफ्लिक्स तो है नहीं, नेटफ्लिक्स हमारे उसमें ही नहीं है, ठीक है। सारे एप्स ये हमारे मिलते हैं, आप देख सकते हैं इसी साइट पर जाकर के कौन कौन से एप्स आपको मिलते हैं। तो हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने जो है उसका जेब्रोनी का ज्यूक्स बार लिया है 5 in 1 का, तो ये अभी इसमें कनेक्ट नहीं होता है, ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टिविटी नहीं हो रही है। मैंने काफ़ी ट्राई किया बाहर से साउंड लाने का, लेकिन साउंड कनेक्टिविटी नहीं हुआ इसका, ठीक है। और आज मेरी उनसे बात भी हुई थी, जियो सर्विस सेंटर वालों से, जियो कस्टमर केयर से, तो उन्होंने क्लियर मुझसे ये बोला है कि अभी लाइव टीवी आने का कोई चांस नहीं है, और ये चल रहा बीटा वर्जन नहीं, हमने सर्विस जो यूजर्स जो होते हैं जियो के, जो सर्विस हैं प्रोवाइड करते हैं कि उन्हीं को दे रखा है, और आगे आने वाले पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। और इन्होंने ये भी बताया है कि जो टाइम्स नेटवर्क के जो चैनल्स हैं वो उसका ही नहीं पता, क्योंकि कॉपीराइट के थ्रू जो बहुत से चैनल हैं जो कि आप क्या नाम है केबल टीवी पर देख सकते थे, देख सकते हैं, वो इस पर नहीं आएंगे कोई भी, अभी आगे आने वाला कोई भी ऐसे चांस नहीं है जो कि ये आपको दें। दूसरा एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये आपको 1000 GB डेटा देंगे जियो एयर फाइबर पर, जो कि आपका 1 month चलेगा। अगर 1000 GB डेटा आपका 1000 GB डेटा खत्म हो जाता है, तो आपको 100 रुपये का रिचार्ज करना पड़ेगा, 120 का, उसमें आपको 100 GB डेटा ये देंगे। तो काफ़ी मतलब इसमें कह सकते हैं कि अगर आपको लोकल आपके पास लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर है तो आप 599+ में तो लोकल प्रोवाइडर ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें 200 200 MBPS स्पीड मिल जाएगी, और बाहर से आप IPTV कोई भी ले लीजिएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न, दो जिसमें आपके सारे चैनल्स 150 200 रुपये में चल जाएंगे। मतलब आप समझ लो कि इससे 600 800 रुपये में आपको 1000 800 200 100 200 GB 100 200 MB की स्पीड का इंटरनेट मिल जाएगा, और आपको लाइव टीवी चैनल्स में चल जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये जियो वालों ने कुछ इंडियंस के अकॉर्डिंग, जो कि आपको पता है कि इंडियंस की मेंटेलिटी क्या होती है, कि सस्ता में सब कुछ ज़्यादा मिल जाए, वो चल नहीं पाएगा इनका एयर फाइबर, ठीक है। और स्पीड भी इसकी बहुत कम है, स्पीड इसकी आपकी 30 MBPS है, 30 MBPS 599 में। और आपको लोगे आप इसमें अगर आपका ऐप एड और डाउनलोड करोगे जियो प्राइम, सॉरी उसका अमेजोन प्राइम का और नेटफ्लिक्स का, वो भी आपको वो बेसिक ही देंगे, और अमेजिंग लाइट लाइट देंगे,
ठीक है, तो उसको कोई बेनिफिट्स नहीं है, बेसिक में तो आपको पिक्सल देख ही नहीं पाओगे, तो ये अलग से आप ले सकते हो। तो 599 का प्लान मेरे हिसाब से तो महंगा है, बट आपका, और अगर इसमें अगर और प्लान लोगे जैसे 1888 का है तो इसमें आपको OTT मिल जाएंगे, लेकिन 30 MBPS ही रहेगी। और ज़्यादा लोगे तो आपको 1000 रुपये का है वो, 888 का भी है, इसमें 100 MBPS का स्पीड मिलेगा, लेकिन क्या अप टू स्पीड है, कुछ कह नहीं सकते कि अप टू स्पीड होगी, ये अप टू तक दिखाएंगे, ज़्यादा तो जाएगी नहीं, कम भले से जा जाए, ठीक है। और एक बात और मैं बताना भूल गया, जो जियो एयर फाइबर में आपको पता होगा कि अभी बीच में कुछ राइट्स वगैरह हुए थे, हिंदू मुस्लिम हुई थी, या कुछ दंगे हुए थे, दंगे फसाद हुए थे, उसमें क्या होता है कि DM की तरफ से उस लोकेशन में कुछ टाइम के लिए मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाते हैं। तो क्या आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा कि क्या ये जियो एयर फाइबर बंद होगा? तो आंसर यही है कि जियो एयर फाइबर बंद नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क बंद होगा, क्योंकि ये हमारा फाइबर कनेक्शन है, इसलिए वो बंद नहीं होगा। मेरी ये बात मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरी अभी कस्टमर केयर से बात हुई थी। और हाँ, अगर DM ये कह दे कि हाँ फाइबर भी बंद होना है, तो ये फिर फाइबर भी बंद हो जाएगा। तो अगर आपको लेना है और जहाँ पर ये विलेज वगैरह है, आपको इंटरनेट की ज़रूरत है और इंटरनेट नहीं प्रोवाइड हो रहा, तो आप इस जियो के साथ जा सकते हैं, वरना BSNL का इस समय धागो धासु प्लान चल रहा है, और जल्दी जियो और जल्दी ही उन्होंने BSNL IPTV लॉन्च होने वाला है। वैसे तो हो गया है, लेकिन अभी कनेक्ट अभी तो आपको पता है थोड़ी BSNL की सर्विस थोड़ी सी ऐसी ही है, बट BSNL इज द बेस्ट है। अपने अपना सरकारी कंपनी पे जाओ तो ज़्यादा बेटर। मेरे पास BSNL का भी कनेक्शन है, मैं जल्दी BSNL का कनेक्शन पे भी आपको कुछ वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा। तो ये मेरी तरफ से जो था थोड़ा बहुत फीडबैक था जियो के लिए। और हाँ, अगर ये जियो एयर फाइबर चल सकता है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जियो एयर फाइबर में ये ODU IDU है, ये ODU मीन्स आउटडोर यूनिट, INDU IDU मीन्स इनडोर यूनिट, और थोड़ा आपका सेटअप बॉक्स, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो ये यही तो यहाँ से कैसे कस्टमर से पैसे निकाले जाएंगे? तो 30 MBPS इसलिए दिया है। यही चीज़ मैंने उनसे पूछी थी कि जियो एयर फाइबर पे मीडियम क्या है आपका? RF है, रेडियो फ्रिक्वेंसी लिंक है, और वो जो फाइबर आ रहा है, जो वो फाइबर के थ्रू आ रहा है, स्पीड तो एक ही है ना, पाइपलाइन तो एक ही है, ठीक है, तो आपने इतना प्राइस क्यों कर रखा है इसका, या फिर इतने MBPS का क्यों कर रखा है, ज़्यादा क्यों नहीं दे रहे? जैसे ये अपना बोलते हैं ना कि वही वहाँ तो फाइबर है, हमारा भी फाइबर बहुत सस्ता है, और BSNL का ही फाइबर सस्ता है, तो एयर फाइबर हमारा महंगा है। तो एयर फाइबर महंगा क्यों है? तो वो फाइबर महंगा इसलिए है कि इन्होंने आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट के पैसा इसमें इंक्लूड कर रखा है, जो कि कस्टमर से लेना है, ठीक है। आपके 3 महीने चलाओगे तो 3 महीने तक आपका किराया, आपको रेंट लेंगे, ये जो भी इनका रेंट है 599 प्लस GST। अगर आप उसका रिचार्ज नहीं कराते हैं, ये बहुत ही बता रहा हूँ चीज़, अगर आप इसका रिचार्ज नहीं कराते हैं, ये थोड़ा आपको टाइम देंगे कि इस बीच में करा लीजिए, 10 दिन का टाइम देंगे, 10 दिन के बाद भी आपका रिचार्ज नहीं कराते हैं, तो ये आपका एक ऑर्डर ID कैंसिल कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, और फिर आपको ये जितनी भी डिवाइस जो लगी हुई हैं, ये सब आपको वापस देनी पड़ेंगी, ठीक है। और BSNL में क्या, आप रिचार्ज नहीं कराओ तो वो डिवाइस आपकी वापस नहीं लेते हैं, आप कुछ टाइम बाद दोबारा से आप रिचार्ज कराओ तो चल जाएगा। तो इसकी सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग मैं बता देता हूँ कि जियो ये जो आपका POE स्विच होता है, पावर ऑन इथरनेट, ठीक है, अडोप्टर होता है ये, तो ये अगर ये खराब हो जाता है और रिमोट खराब हो जाता है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक। अगर आपका सेटअप बॉक्स खराब होता है, इंडोर आउटडोर यूनिट में कोई प्रॉब्लम होती है, तो जब तक आप कनेक्शन चलाओगे, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देंगे, ठीक है। और दूसरा, कस्टमर केयर नंबर पे इनके कॉल करोगे, कस्टमर केयर नंबर मैं इनका आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, तो कम से कम 15 मिनट आपको इनको देने पड़ेंगे ये कॉल पिक करने में, ठीक है। बहुत अच्छे से बात करते हैं, अच्छी तरीके से समझाते हैं, नो डाउट, बट यू हैव टू टेक डिसीजन विच विल बी यू गो टू द BSNL जियो एयर फाइबर अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। सो तो यही वीडियो थी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी, तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, जो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उल्टा बोल गया, कोई नहीं, बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ तो चलता है, ठीक है। और हो सके तो शेयर कर देना वीडियो को जो अच्छी लगे तो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अरे हाँ, एक बात तो बतानी भूल गया आपको, मैं जियो सेटअप बॉक्स दिखाता हूँ।
ये सेटअप बॉक्स है जियो का, देख लीजिएगा। और ये इसका रिमोट है, ठीक है, रिमोट भी वॉइस वाला है जो नॉर्मल होते हैं। और ये की दे रखी है डायरेक्ट की, नेटफ्लिक्स वोट अपना, ये देखिएगा सेम है, वही ट्रिपल ए बैटरी डलनी है। और इसके अंदर एक बात मैं बताऊँ, जियो जो प्लस का जो है ये टी एंड्रॉयड बॉक्स है, ये वाइट कलर का है। और दूसरा इसके अंदर कोई भी रखा है कि बोलते हैं ऑडियो आउटपुट करने, ऑडियो आउट करने के लिए कोई भी पिन नहीं दे रखी है, जिसमें ऑडियो 3 mm का जो जैक होता है वो नहीं दे रखा है, ठीक है। तो आपको ब्लूटूथ के थ्रू करना पड़ेगा, आपके पास ब्लूटूथ नहीं है तो फिर आपका चैनल नहीं चल पाएंगे, आपके चैनल भी कह रहा हूँ सॉरी, आप चैनल की आवाज़ नहीं आ पाएगी। और ब्लूटूथ भी होना चाहिए जो कि इससे कंपेटेबल हो, तो मेरा तो ब्लूटूथ कंपेटेबल नहीं है, मेरा ब्लूटूथ हाई उसका है, तो ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।